अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब क्षेत्र से, जहां देवतालाब में बनाए जाने वाले विश्राम गृह का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि देवतालाब में विश्राम गृह के बन जाने से अतिथियों व अधिकारियों को सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि आगामी अप्रैल माह तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि देवतालाब पहले विकास से कोसों दूर था, अब देवतालाब विकास के पथ पर अग्रसर है। देवतालाब क्षेत्र में विकास एवं जनोन्मुखी कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। देवतालाब में कॉलेज की स्थापना के साथ ही भवन का निर्माण कराया गया तथा विधानसभा क्षेत्र में 3 CM राइज स्कूलों की स्थापना भी हो गई है। श्री गौतम ने कहा कि क्षेत्र के विकास व जनता की सुविधा के लिए वह हमेशा संकल्पित रहेंगे और देवतालाब को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर SDM AP द्विवेदी, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग CM त्रिपाठी, तहसीलदार श्री मार्को सहित शिव पूजन शुक्ला, सुरेंद्र सिंह चंदेल, अखिलेश सिंह, मन्नू गुप्ता, पुष्पेंद्र गौतम एवं बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।